आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ पावन नगरी वृंदावन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी वृंदावन में वहाँ का खाना पीना लोकल और वहाँ के कुछ रहस्यमय मंदिर। और मेरे साथ करिएगा अनेक भगवान के दर्शन। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं अपनी कार से टैक्सी स्टैंड तक। यहीं पे हमको अपनी कार छोड़नी होगी वहाँ के लोकल तिपैया वाहन ट्री में बैठना। नमस्कार, मैं छायवासिनी में मम्मी किचन में आपका वेलकम है। आज आपको मैं लेके चल रही हूँ जहाँ के हर कणकण में राधा कृष्ण का वास होता है। बताइए आप कौन सी जगह है। चलिए मैं ही बता दे रही हूँ, मैं आज आपको लेके चल रही हूँ वृंदावन की नगरी। यहाँ कैसे हम पहुँचे हैं, अभी तक तो हम कार से आए थे, अब हम बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं जो हम इस ट्री में बैठ गए हैं। यहाँ पे बताइए कैसे प्रसाद मिलता है, दर्शन करने जा रहे हैं हम आपको, हम चीज़ें कराएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैम अब हम वृंदावन मंदिर की ओर चल पड़े हैं और देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं यहाँ पे। सुंदर सुंदर दुपट्टे राधे कृष्ण लिखे हुए, पर्स पोटली वाले और लड्डू गोपाल जी के, बहुत ही कम रेट में यहाँ से आप वस्त्र खरीद सकते हैं, उनकी मुरली टोपी। हम अपने बांके बिहारी मंदिर की ओर चल पड़े हैं और बहुत ही रश है। हम बांके बिहारी वाली गली में पहुंच चुके हैं मंदिर के समीप और इस समय आपके पीछे गाइड पड़ जाएंगे जो आपसे 1,000-2,000 रुपये ऑफर करेंगे वीआईपी दर्शन के लिए। पर उनकी बात मत मानिए और आगे बढ़ते रहिए भीड़ को चीरते हुए। हमने बांके बिहारी मंदिर के सामने प्रसाद खरीदा और यहाँ के पेड़ सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, आप ज़रूर खरीदें। आप देख पा रहे हैं इतनी भीड़ है, हम प्रसाद खरीद चुके हैं और इतनी लंबी लाइन कोरोना टाइम पे, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कोरोना टाइम में कुछ किया जाए। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ मुझे कैमरा ऑफ करने को कहा जा रहा है, कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर के यहाँ। तो मैं बाहर फिर से बताती हूँ आप लोग, दर्शन करने के बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो रही है कि मुझे सांस भी नहीं ली जा रही और ठंड के टाइम पे मैं पसीने से नहा गई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है चारों ओर, कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा। हम थोड़ा आगे बढ़े और छोटे बच्चों ने हमें घेर लिया कि प्लीज़ राधे कृष्ण लिखवा लीजिए। तो हमने राधे कृष्ण अपने माथे पर लिखवाया। राधे कृष्ण लिखवाने के बाद आगे हम फेमस बेड़ी खाने के लिए रुके। वृंदावन में आए और आपने कचौड़ी नहीं खाई, तो कुछ नहीं खाया तो जी। क्या नाम है आपकी शॉप का? स्वीट सेंटर है। और ये कचौड़ी किस चीज़ की बना रखी है आपने? दाल की है। और ये ऑयल जो यूज करते हैं किस चीज़? सरसों का तेल यूज करते हैं। और सब्जी दिखाएंगे जरा, आप सब्जी की शक्ल दिखाएंगे। ये देखिए आलू की रसेदार झोल वाली सब्जी है। यहाँ आए तो वृंदावन में दो प्रकार की सब्जी, ये जो शॉप है इस पे आइए और जरूर ये ट्राई करिए। अब हम आगे बढ़े हैं रंगनाथ जी मंदिर से पहले गोविंद वल्लभ का मंदिर, जिन्हें भूतों का मंदिर भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में कुछ रहस्य बताते हैं। इस मंदिर में आए तो बंदरों से सावधान रहें, बंदर आपके चश्मा पर्स मोबाइल कुछ भी छीन के ले जा सकते हैं। मैं रिस्क लेके बहुत इसकी वीडियो बना रही हूँ, ये रातों रात बताया जाता है कि भूतों ने तैयार किया था, बट टाइम ओवर हो चुका था, ये बंद हो चुका था। उसके आगे हम बोटिंग करने के लिए निकले हैं चीरघाट, और ये आपसे बहुत ऊने दूने रेट बोलेंगे 600-800, पर आपको यहाँ पर अच्छी बार्गेन करनी पड़ेगी तभी आप नौका बिहार की सुविधा उठा पाएंगे। और हम इस तरीके से सारे घाट देखते हुए जा रहे हैं, इसमें कुल मिला के 11 घाट हैं। हम यहाँ पर कालीदाय गेट घाट पे ही उतर गए हैं। घाट पे हमें फूल बेचती हुई बहुत प्यारी सी बच्ची मिली, छोटी सी, जिससे प्यार किए बिना रहा नहीं गया। हमने उससे फूल और मछली के दाने खरीदे। पूरे दिन चलने के बाद हमें भूख लगी। हम प्रेम मंदिर के सामने, चौपाटी है ये, और यहाँ पर ज़रूर आएँ, ज़रूर
और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा। यहाँ पे हमने टिक्की, छोले भटूरे, डोसा सब चीज़ें खाई, और जो बहुत बहुत रीजनेबल रेट में है, और ये सब कुछ देसी घी से निर्मित होता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है, और यहाँ का तंदूरी खाना, यहाँ का दूध कुल्लड़ वाला, सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। आप यहाँ पर आएँ चौपाटी बाज़ार प्रेम मंदिर के सामने वृंदावन में, ज़रूर यहाँ आके खाना ट्राई करें। अच्छा, तो अब मेरा विदा लेने का समय आ चुका है। आपको मेरा वृंदावन का सफ़र कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो बोलो वाके बिहारी लाल की जय। Thank you.